हेलो फ्रेंड, नमस्कार प्रणाम। मैं गोलू कुमार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं इस समय आया हूँ गौरी बाजार में और यहाँ पे एक अनोखा पंडाल बन रहा है जो कि इलेक्ट्रिक है और बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सड़क स्टेशन की तरफ से आता है और ये राम जानकी मंदिर की तरफ मुड़ जाता है और इसी रास्ते पर सीधे जाकर राम जानकी मंदिर के ठीक सामने जो है गौरी बाजार में इलेक्ट्रिक पंडाल लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रास्ता है जो राम जानकी मंदिर की तरफ जाता है और वहीं पे वो भव्य पंडाल बनाया जा रहा है जो अपने आप में एक अजूबा है और ऐसा पहली बार बनाया जा रहा है गौरी बाजार में। और यही रास्ता है और यहाँ से होकर आने के बाद यहाँ पे एक माँ दुर्गा जी का प्रतिमा मिलेगा। पहला दर्शन यहीं पे होगा। तो जैसा कि आप रास्ता देख चुके हैं, उसी रास्ते से होकर आना है और यहाँ पर जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा है और दोनों तरफ से यहाँ देख सकते हैं रास्ता है। एक तरफ से लेडीज जाएंगे लोग और एक तरफ से जेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम जानकी मंदिर है, ये बहुत सारे बच्चे हैं। एक बार हल्ला मचा लो, जो भी बोलना है बोलो। हम नहीं बोल, बोलो बोलो लो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये गौरी बाजार का राम जानकी मंदिर है जो कि काफी प्राचीन मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे दुर्गा जी का पंडाल बनाया जा रहा है और ठीक मंदिर के सामने जो है ये दो मजारे हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक होने वाला है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से यहाँ पे आए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वो पंडाल है और दुर्गा माता की प्रतिमा बनी हुई है जो कि मूवमेंट करेगी, ऊपर नीचे आएंगी और ये राक्षस का जो है सीन बनाया जाएगा। और चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। और ये यहाँ के संस्थापक हैं। सर, आपका नाम क्या है? किशन वर्मा। नरेश जी, नरेश जी की अभी इस पंडाल को हम लोग करीब 25 साल वर्षों से सजा रहे हैं और इस यहाँ का थीम हर साल कुछ अलग होता है, किसी न किसी एक थीम पर हम लोग इस पर काम करते हैं। जैसे एक बार हम लोग केदारनाथ प्रलय पर बनाए थे और धरती से दुर्गा जी निकली थी, समुद्र मंथन भी हम लोग करा चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दर्शक जो भी आते हैं काफ़ी एक्साइटिंग रहते हैं उन लोगों के अंदर की क्या है अंदर। और इस बार हम लोग का थीम है हंटेड हाउस, जो एक डरावनी आवाज़, अगल बगल से राक्षस आएंगे, फिर उस राक्षसों का श्रृंगार कैसे दुर्गा माता करेंगी, यही सीन बनाया जा रहा है। लगभग कितना लागत लग जाएगा इसमें? करीब लागत इसका 1.5 से 2 लाख रुपया है, लेकिन बाकी और भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो निस्वार्थ इसमें सेवा देते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी कीमत जोड़ी जाए तो बहुत आगे जाएगा। तो चलिए और आप लोगों को आगे दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैरिंग के सहारे और रस्सी के सहारे मूर्ति को मूवमेंट किया जाएगा और ये सब स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक ट्रॉली देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ के पेंटर हैं, पप्पू पेंटर, जो अभी पेंट किए हैं तत्काल में, कितना सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति जो है ऊपर और नीचे जाएंगी और काफ़ी डरावनी आवाज़ें भी आएंगी, ये छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे। तो चलिए यहाँ के जो पेंटर हैं उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। मतलब भर का पैसा भी है ये भाई जो हैं यहाँ के पेंटर हैं, और इनसे थोड़ा सा नारे ले लेते हैं। अभी जो काली माँ का पेंटिंग किए हैं। हाँ, मेरा नाम अली हुसैन है, गौरी बाजार का रहने वाला हूँ और यही आर्ट लाइन का काम है मेरा। और हमारे गौरी बाजार के माने जाने किशन ज्वेलर्स जी हैं, बाबू वर्मा, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं।
वो जो जैसा कहते हैं उसी तरह मैं बनाता हूँ। हाँ मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हो भी, हाँ उनके ही हिसाब से मेरा ब्रश चलता है, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो आपका नाम पप्पू पेंटर है ना? अली हुसैन, असली नाम अली हुसैन है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो काली माँ का प्रतिमा कितना सुंदर लग रहा है और एकदम से वास्तविकता प्रतीत हो रहा है। और जो इसको बनाने वाले हैं उनका नाम है अली हुसैन और एक मुस्लिम है। देखिए कितना सुंदर मूर्ति बना के और पेंट किए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और पप्पू पेंटर के नाम से गौरी बाज़ार में मशहूर है। तो दोस्तों यह भी एक अद्भुत बात है, यहाँ पर हर धर्म के लोग मिल के काम कर रहे हैं और जो ये पंडाल को अद्भुत बना रहे हैं, इसीलिए यह इस पंडाल का नाम चारों तरफ होना चाहिए और आप लोग आइए और दूर दूर तक इसका नाम हो और सब लोग जाने गौरी बाज़ार को। तो दर्शक मित्रों अभी आपने देखा कि ये जो पेंटर हैं ये पप्पू पेंटर के नाम से मशहूर हैं और इनका असली नाम है अली हुसैन। और कितना शानदार मूर्ति आप देख सकते हैं बैक साइड में काली माँ का बनाया है, कितना एकदम ओरिजिनल लग रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी बोल देंगी। तो ये भी एक कलाकारी है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और भारी से भारी संख्या में आप लोग यहां पे आएंगे और ये अद्भुत कलाकारी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय माता दी।